ऑफ यूट्यूब कैसे हैं फॉलोइंग चैनल में आप जो देखें ट्वेल्थ का था हमारी सीरीज का एपिसोड 16 तो गाइस फोर जी उसके जो उसके बहुत मसला हो रहा है हैंग बहुत हो रही है, वीडियो आ नहीं रही है, दो एपिसोड भी अभी तक नहीं गए है तो फिर डालेंगे। आज जुमा है, जुमा की नमाज में पढ़ गया, आज चुका इंटर शूटिंग, फिर इंटर शूट मार रहे अभी। आज हमारी मस्जिद में आए थे अल्लाह मौलाना मुफ्ती अख्तर, हाँ मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब वो आए थे, उन्होंने बयान हुआ, फिर नमाज हुई इमामत की उन्होंने, उसके बाद फिर दुआ हुई, उसका नमा गए। एक्चुअली मैं बाहर बैठा था ना मस्जिद में तो इतनी कड़क धूप थी ना गाड़ी, इतनी कड़क धूप थी कि पूरा फोन जो जल रहा था, मेरा फ़ोन जल रहा अपना स्विच ऑफ हो गया फ़ोन। फिर मैं बाहर निकला, घर में आया, फिर फ्रीजर में रखा, फिर निकाला तो फिर ऑन किया, फिर ऑन हुआ गाइस। तो फिर यही था, आपको मिलते हैं अभी आगे, आप देखना ब्लॉग में अच्छे से। अब जब से वापस हुई वो आवाज़, अब जरा सुनिएगा, आपने कभी हाल में कुएं में नई बिल्डिंग में देखा होगा बच्चे खेल करते तो एक आवाज जब उनसे निकलती है तो थोड़ी देर के बाद दूसरी आवाज भी उधर से आती। तो ये मुझको बताइए कि वो जो आवाज दूसरी निकली वो किसके मुख से निकली, कोई वहां जिंदा गया, कोई दूसरा आदमी है जिसने मुंह से पहली बार आवाज निकाली, जो रुलाई हो रही है ये भी आवाज दूसरे की नहीं बल्कि उसी की है ना। मगर शरीयत कहती है सुन लीजिए, ये जो आवाज गई घर से ये असली आवाज है, और जो घर से टकरा करके आई ये असली आवाज नहीं है, ये नकली आवाज, ये शरीयत है। इसीलिए मसला है कि अगर किसी ने पुराने करीम की तिलावत की और आयत सजदा उसने पढ़ी तो बस कीजिए, एक आदमी ने आयत सजदा पढ़ी और एक आदमी ने सुन लिया, तो जिसने इसकी आवाज